में तो नीतीश कुमार ने महादलित भी बनाया, दलित को बांटा, महादलित बनाया, आपको लगता है उससे फायदा हुआ दलितों का? आप नीतियां बना दीजिए, लेकिन नीतियों का कार्यान्वयन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके नियत पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जी, आप तो कभी बहुत बड़े दलित नेता के रूप में आपको पार्टी आगे बढ़ा रही थी, चाहे वो आरजेडी के लालू यादव हो या फिर नीतीश कुमार के यहाँ गए, लेकिन आज क्यों आपसे सब खार खाए हुए हैं? मुझे लगता है मैं स्वाभिमान के साथ राजनीति करता हूँ, मैं कोई लोगों के पीछे चलने वाला नहीं हूँ कि ये कार्यालय में बैठ करके वातानुकूलित कक्ष में बैठ करके आप परिचर्चा से कोई लाभ नहीं होगा, हमें जाना होगा उन लोगों के बीच। आपकी बात से तो यही लगता है कि आप दलितों के लिए जो भी काम किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा या राजनीतिक दलों द्वारा उससे संतुष्ट नहीं है? संतुष्टि का सवाल तो तब होता जब कुछ परसेंटेज काम होता, तब कहा जाता है कि इतना परसेंटेज संतुष्ट है, इतना परसेंटेज। जब सिर्फ योजनाएं बन रही है, बड़े बड़े समाचार पत्रों में, बड़े बड़े अक्षरों में, पोस्टरों में, प्रसारण में इन चीज़ों का किया जाता है, लेकिन जरा जाइए उन दलितों की बस्ती में तो आपको उन प्रसारण में और उन समाचार पत्रों में जो दिखाई देता है उससे कहीं ना कहीं बहुत दूर है। बीजेपी भी चाहती है कि साम्राज्य आ जाए? देखिए, मेरे बीजेपी से दलगत राजनीति पर मेरा कोई किसी दल से मतभेद। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। खास पेशकश इसलिए कर रहा हूं कि मेरे साथ खास शख्सियत हैं। जी हां, श्याम रजक जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और अभी बिहार में राजनीति पूरा उबल रही है, श्याम रजक जैसा कदावर दिग्गज दलित नेता चुप क्यों बैठा है? मैं चुप नहीं बैठा हूँ। सवाल है कि देश की जो परिस्थिति और राज्य की जो परिस्थिति है, जो दलित समुदाय है या कहिए कि गरीब समुदाय है, जो पिछड़ा समुदाय है या सवर्ण जाति में भी जो हाशिए पर है, सब लोग आज किंग का कृतव्य विमूढ़ की स्थिति में है। क्योंकि सरकारें हैं, आज भी सरकारें हैं, पहले भी सरकारें थी, लेकिन सरकार के द्वारा योजना लाई जाती है, अच्छी अच्छी योजना तो समाचार पत्रों में तो दिखाई देता है, प्रसारण में दिखाई देता है, लेकिन उन गाँव में, उन तंग बस्तियों में जब जाने का काम करते हैं तो योजनाएं का नजर नहीं आता है। लेकिन जो राजनीति है, आज राजनीति आज हाशिए पर है, जो सभी राजनीतिक पार्टी आज भूख का सवाल हो, चाहे वो रोजगार का सवाल हो, कुपोषण का सवाल हो, आपको आश्चर्य होगा जो अभी रिपोर्ट आया है, इस राज्य का रिपोर्ट आया है, 69% हमारी महिलाएं कुपोषित है, 62% हमारे बच्चे कुपोषित हैं। कहाँ योजना का काम हो रहा है, कहाँ विकास हो रहा है? तो नहीं हो रहा है। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं या राजनीतिक पार्टी में जो नेता है या नेतृत्व करता है, सभी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो वामपंथ के लोग हों या वो दक्षिण पंथ के लोग हों या मध्य वर्ग के लोग हों, सभी लोगों का आज का एजेंडा भूख नहीं है, आज का एजेंडा कुपोषण नहीं है, आज का एजेंडा शिक्षा नहीं है, आज का एजेंडा ना बराबरी को बराबरी करना ये नहीं है। बाबा साहब ने जो संविधान में प्रैम्बुल दिया था, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, वो एजेंडा अब समाप्त हो चुकी है और वो एजेंडा सिर्फ किसी तरह हम कुर्सी पर स्थापित हो जाएं, देश के नाम पर, राज्य के नाम पर, समाज के नाम पर हम स्थापित हो जाएं, यही मेन। देखिए, दलित वोट बैंक पर सब दलों की नजर टिकी हुई है, सारे दल दलित वोट बैंक पर ही काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये छलावा है दलितों के साथ? निश्चित, दलित वोट जो है अभी तक, वो आज़ादी के बाद से आज तक इतने अधिकार दिए गए, वो अपने आप को, अपने प्रति वो सक्रिय नहीं हो पाया है। जब व्यक्ति नहीं सक्रिय होगा तो समाज क्या सक्रिय होगा? समाज सक्रिय नहीं होगा तो देश और राज्य कैसे सक्रिय होगा? तो जो हाशिए पर है दलित समुदाय, आज तक छले गए हैं, उनको अब किसी पर विश्वास नहीं रहा है, सिर्फ किसी तरह समय कट जाए यही पर वो जी रहे हैं। जेडीयू की तरफ से भीम पंचायत चलाया जा रहा है, क्या कैसे देखते हैं? अच्छी बात है, लोग चलाएं, लेकिन चला कर करके सिर्फ भाषण देना और समाचार पत्रों में उसका बखान करना, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए उन तक आपने कितना उनको लाभ दिया, कितना उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ, कितना उनको शिक्षा स्तर में सुधार हुआ। आज भी जो सरकारी स्कूल है, सरकार ने काफ़ी स्कूल भी खोला है, स्कूलों का रिमोडरेट भी किया है, लेकिन जब शिक्षक नहीं रहेगा, जब वहाँ माहौल नहीं रहेगा,
तो बच्चे क्या पढ़ पाएंगे, सिर्फ एमडीएम का भोजन करने जाएंगे। मतलब आप मानते हैं कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं? गुणवत्ता तो दूर है, वहां शिक्षा ही नहीं है, शिक्षा आप निजी स्कूलों में। ये कौन सा नीति है कि आप निजी स्कूलों को आप अनुदान दे रहे हैं? निजी स्कूलों को अनुदान के जगह आप अगर सरकारी स्कूल के डेवलप कराने का काम करते तो बड़ा अच्छा था। शिक्षा का व्यवसायीकरण होते जा रहा है धीरे धीरे, और सरकारें भी, चाहे वो केंद्र सरकार हो राज्य सरकारें हो, वो सब लोग उस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज सिर्फ वोट की राजनीति तो कर रहे हैं, वोट की भी राजनीतिक पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वोट से ज्यादा है कि समाज को बनाना। आपको लगता है कि बिहार के दलित छले हुए महसूस कर रहे हैं? देश का दलित छला जा रहा है, बिहार तो उसमें एक अंग है, लेकिन पूरा देश का दलित छला जा रहा है। आज कांशीराम जैसे लोगों की कमी महसूस होती है, कांशीराम आज नहीं है, और कांशीराम अगर रहते, कांशीराम तो आप ही जैसे नेता बनेंगे ना, लेकिन आपको बढ़ने ही नहीं दिया जाता, आपको नहीं लगता है? कांशीराम को भी बढ़ने नहीं, कांशीराम ने खुद निकले थे, लेकिन उस समय का माहौल था, आज माहौल दूसरा। आज कहा जाए कि कॉरपोरेट जगत जिस तरह राजनीति में हॉबी हो गया है, और कॉरपोरेट जगत, अब कॉरपोरेट जगत का मतलब अडानी अंबानी को नहीं कहते हैं, कॉरपोरेट जगत अडानी अंबानी के खिलाफ हमारी लड़ाई है, लेकिन देश में जो कर्मकार हैं, जो काम के आधार पर, उनके कर्मों को भी, उनके कामों को भी कॉरपोरेट जगत के लोगों ने अपने हाथ में ले लिया। जो कर्मिक थे, जो अपने शिल्पकार थे, चाहे वो कपड़ा धोने वाले हों या बुनकर हों या जो मिट्टी का काम करने वाले लोग हों, सारे लोग, ये लोगों का अब वो सिर्फ श्रमिक बन करके रह गए हैं, वो मालिक नहीं है। लेकिन बिहार में तो नीतीश कुमार ने महादलित भी बनाया, दलित को बांटा, महादलित बनाया, आपको लगता है उससे फायदा हुआ दलितों का? देखिए, नियत अगर थी तो फायदा होना चाहिए था, नियत हुई लेकिन उसका कार्यान्वयन नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं आप नीतियां बना दीजिए लेकिन नीतियों का कार्यान्वयन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके नियत पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। मैं नीतीश जी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, उनके जो सिस्टम है, जो पूरी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उनकी भी ड्यूटी बनती है, अकेले नीतीश कुमार की ड्यूटी नहीं है। नीतीश कुमार ने एक योजना बनाया, एक महादलित के लिए कई चीज़ें बनाया, हम जब इंडस्ट्री मिनिस्टर थे दलित उद्यमी योजना चलाए, नीतीश कुमार जी ने उसको बहुत ही खुशी भी व्यतीत किया। लेकिन श्याम जी, आप तो कभी बहुत बड़े दलित नेता के रूप में आपको पार्टी आगे बढ़ा रही थी, चाहे वो आरजेडी के लालू यादव हो या फिर नीतीश कुमार के यहाँ गए, लेकिन आज क्यों आपसे सब खार खाए हुए हैं? मुझे लगता है कि मेरे में ही कुछ कमी होगी। क्या कमी है श्याम जी? मुझे लगता है मैं स्वाभिमान के साथ राजनीति करता हूँ, मैं कोई लोगों के पीछे चलने वाला नहीं हूँ, मैं अकेला चलता हूँ, मैं स्वाभिमान के साथ राजनीति करता हूँ, और मैं अपने सिद्धांत, अपने नीति के तहत मैं कहीं समझौता नहीं करता हूँ। नहीं, आप कैसे? हो सकता है कि मैं समझौता करने में नहीं कर पाया, इसके कारण मैं मुझे लोग पसंद ना करे हूँ। आप महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ छलावा हुआ है, आप चले गए? नहीं, मैं ये महसूस नहीं करता हूँ कि मेरे साथ चला गया, मैं सारे चीजों के लिए मैं खुद अपने आप को दोषी मानता हूँ। आपके साथ मेरी नीति, आप पहले लालू जी के साथ थे, ठीक है, हम रोल में थे, वहां भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, नीतीश कुमार के साथ गए, वहां पहले तो आपको हम रोल मिला, फिर वहां किनारे कर दिया गया क्योंकि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आ गए, आरजेडी के साथ नीतीश कुमार आज भी हैं, और अभी आपको कोई अहम भूमिका नहीं दी जा रही है, दलित भीम पंचायत लगाई जा रही है, उसमें तो अहम भूमिका आपकी हो सकती थी। पार्टी का कार्यक्रम था जनता दल युग, हम राष्ट्रीय जनता दल में है, राष्ट्रीय जनता दल भी अम्बेडकर परिचर्चा करा रही है, हर लोग अपने अपने स्तर से परिचर्चा से दलितों का कल्याण हो जाएगा? परिचर्चा से कल्याण नहीं होगा, परिचर्चा से लोगों को जागृत करना होगा, और जागृत करना होगा तो मैंने कहा था अपने पार्टी में भी कि ये कार्यालय में बैठ करके, वातानुकूलित कक्ष में बैठ करके आप परिचर्चा से कोई लाभ नहीं होगा, हमें जाना होगा उन लोगों के बीच। चंद्रशेखर जी कहा करते थे कि जाओ, गांधी भी कहा करते थे कि जाओ उन लोगों के बीच जो लोग समस्या के साथ ग्रस्त हैं, उनकी आंखों को आंसू से, अपने आंखों को जोड़ने का काम करो। लेकिन आपकी बात से तो यही लगता है कि आप दलितों के लिए जो भी काम किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा या राजनीतिक दलों के द्वारा, उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्टि का सवाल तो तब होता जब कुछ परसेंटेज काम होता, तब कहा जाता है कि इतना परसेंटेज संतुष्ट है, इतना परसेंटेज। जब सिर्फ योजनाएं बन रही है, बड़े बड़े समाचार पत्रों में, बड़े बड़े अक्षरों में, पोस्टरों में,
प्रसारण में इन चीज़ों का किया जाता है, लेकिन जरा जाइए उन दलितों की बस्ती में तो आपको उन प्रसारण में और उन समाचार पत्रों में जो दिखाई देता है उससे कहीं ना कहीं बहुत दूर है। और दुनिया बढ़ते जा रही है, मैं ये बात कह रहा हूँ कि देश में स्थिति बड़ी भयानक है। आज लोग बड़े लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई असली छोटे लोग। लेकिन बिहार की हालत भी तो अच्छी नहीं है। मैं कह रहा हूँ पूरे देश की हालत अच्छी नहीं, उसमें बिहार थोड़े अलग है। बिहार तो उसी का अंग है, देश का ही एक मजबूत राज्य है, और यहाँ भी वही स्थिति है। पिछली बार आप आए जेडीयू से आरजेडी में, आपको टिकट नहीं मिला, आप इतने एक्टिव हैं और आपकी जीत भी सुनिश्चित। देखिए, मैंने कभी अपने को टिकट मांगने के लिए और पद मांगने के लिए लाइन में नहीं लगा। मांगने की क्या जरूरत थी, आपको तो मिलता था खुद। मैं कभी नहीं, मानवर श्री चंद्रशेखर जी, आज उनका जयंती भी है, उन्होंने मुझे 90 में टिकट खुद बुला करके दिया, मैं नहीं मांगा। 95 में लालू जी ने खुद टिकट दिया और उसको लगातार देते रहे। नीतीश कुमार ने भी खुद दिया। मैं कभी याचक नहीं रहा हूं, मैं दाता बनना चाहता हूं। पिछली बार क्यों नहीं दिया? नहीं दिया, उनको लगता होगा, हर लोग चुनाव में देखते हैं कि हो सकता है कि वो सीट लगता हो उनको कि दूसरे आदमी को। जब समझौता होता है, दलों का गठबंधन होता है, उसे बहुत सारे चीजों को। ये भी तो हो सकता है कि नेताओं को तेज तरार दलित नेता पसंद नहीं। अब ये तो उनको मालूम होगा कि क्या है, मैं कैसे कहूं तो उनकी बात की भावना को। उनकी भावना हो सकती है, लेकिन उस भावना से मैं तो परिचित नहीं। क्या करेंगे आगे आप इस बार? आप अगर दल चाहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, दल नहीं चाहेगी, मैं जो काम लगा हुआ हूँ दलितों के बीच काम करता हूँ, देश भर में घूमता हूँ, दलितों के बस्तियों में जाता हूँ, वहाँ रहता हूँ, वहाँ सोता हूँ, वहाँ खाता हूँ उन लोगों के साथ, उन लोगों को जागृत कर रहा हूँ, नौजवानों को जो दलित नौजवान है उनको सही चीज़ बता रहा हूँ कि जगो और अपने आप को सुसज्जित होकर करके संघर्ष की बुनियाद खड़ा करो। दलितों को आंदोलन की राह पर ले जाएंगे? निश्चित, ये मेरा कर्तव्य है और मेरा अधिकार भी है। बीजेपी भी चाहती है कि साम्राज्य आ जाए? देखिए, मेरे बीजेपी से दलगत राजनीति पर मेरा कोई किसी दल से मतभेद नहीं, लेकिन जो समाज आरएसएस की बनी है, आरएसएस के अगर इतिहास को दस्तावेज को देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस देश के लिए एक बड़ा खतरनाक स्थिति रही है। हमने पढ़ा है पूरे दस्तावेज आरएसएस के ऑर्गेनाइजर जो 1925 से 100 वर्ष लगभग हो रहा है। आरएसएस कभी दलित विरोधी तो रहा नहीं। मैं कह रहा हूँ ना कि जो आरएसएस अगर दलित विरोधी नहीं है तो दलितों के उत्थान के लिए दलितों को अधिकार में कहाँ सम्मिलित किया? आप शुरू से देख लीजिए, आप वहां जाकर ही मांग उठा सकते हैं ना भाई। कोई जरूरी, जिसकी नियत ही नहीं ठीक है वहां जाकर के क्या होगा? जिसकी नींव ही दलित के प्रति समर्पण नहीं हो, बोल देना बड़ा अच्छी बात है, लेकिन दलितों के प्रति जब सहानुभूति नहीं हो, वो किस दल में है जरा बता दीजिए? किसी दल में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो पूर्ण रूपेण दलित विरोधी है। आरएसएस के आप दस्तावेज पढ़िए ऑर्गेनाइजर, 16 बार उस दस्तावेज के 16 प्रसंगों को हमने देखा है जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के खिलाफ बोला है। 74 ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें उन्हें दलितों अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोला है। लेकिन आपके क्षेत्र की भगत सिंह, मैं बता दूं, बड़े आज भगत सिंह की चर्चा करते हैं। भगत सिंह जब शहीद हो रहे थे तो उनके एक बड़े नेता प्रचारक एसपी शेषाद्री, बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने अपने लेख में लिखा, उन्होंने लिखा लेख में, मुंजे साहब ने लेख में लिखा, दोनों ने लेख में लिखा कि शहादत कायरता की निशानी है। अब भगत सिंह ने शहीद हुए तो आप कह रहे हैं कि कायरता की निशानी? ये दस्तावेज है, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजर में छपा हुआ है। लेकिन सैम रजक जी, आपके क्षेत्र की जनता चाहती है कि आप सक्रिय राजनीति में आए, मतलब चुनाव लड़े। देखिए, चुनाव लड़ लेना और विधानसभा में या लोकसभा में एक अपने आप को उस फुलवाड़ी में एक फूल की तरह खड़ा हो जाना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि उस बगिया को जितना चमकाए, जितना सुगंधित बनाए, ये काम है। सिर्फ चुनाव लड़ करके थे, लेकिन जब देश की व्यवस्था है, दलितों को राजनीतिक भागीदारी मिल रही है बिहार में, अन्यथा नहीं। देखिए, अब मैं उन बातों पर जाऊंगा तो बहस बड़ी लंबी हो जाएगी। पूना पैक्ट पर आज बहस नहीं होती। मैं पूना पैक्ट का अम्बेडकर साहब ने समझौता किया, मैं भी हम गांधी के अनुयायी हैं, गांधी के सुने, लेकिन पूना पैक्ट के पहले
अंबेडकर ने क्यों कहा था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र हो, उसके ही लोग वोटर हों, कारण था। आज तो गांधी के साथ समझौता करके करके बन गया कि दलितों के लिए सीट भी ज़्यादा मिल गई, दलित जीत करके आते हैं, मैं जीत करके आता हूँ एक क्षेत्र से, लेकिन वहाँ दलितों से ज़्यादा, मैं अपने की ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, ज़्यादा अन्य लोगों की लाभ, अन्य लोगों की बात मैं ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि हमको वोट की चिंता रहती है, वोट की चिंता रहती है। अगर दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र रहता तो दलित के लिए उत्थान भी होता, दलित की बात भी होती और दलित के लिए काम भी होता, लेकिन वैसा नहीं हुआ। लेकिन खैर, समझौता हो गया। बिहार में दलित हाशिए पर है, राजनीतिक निश्चित रूप से हाशिए पर है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, पूरा देश हाशिए में, बिहार में भी दलित हाशिए पर। बिहार में तो दो ही बड़े नेता है ना अभी, नीतीश कुमार, लालू यादव। देखिये, नेता से किसी वर्ग का उत्थान और पतन का मापदंड आप नहीं आ सकते। मौका तो वही दे सकते हैं ना आगे बढ़ने, मौका दे सकते हैं, लेकिन दे नहीं। सवाल है कि उनके साथ जो लोग हैं उनका जो दृष्टि अगर है, अगर है तो उनके अनुयायी लोगों को, उनके जो लोग हैं जो नीति निर्धारक हैं, उनको तो उन चीजों पर काम करना चाहिए, वो काम नहीं हो रहा है। तो ये थे श्याम रजक, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, और इनका कहना है कि दलित राजनीतिक हाशिए पर है और इसके लिए कौन जिम्मेवार है आपको हमको सोचना पड़ेगा। श्रीकांत प्रत्यूष, सिटी पोस्ट, पटना।